Hello guys, मैं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं डिजिटल बिहार यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो बेस्ट 3 हिडन स्पाइक कैमरा। इन एप्लीकेशन को यूज करके आप किसी की भी कोई भी रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं बिना उसके पता चले हुए, यानी किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला। आप अपने मोबाइल को अगर पावर बंद भी कर देंगे यानी लॉक लगा देंगे जब भी ये कैमरा आपका काम करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं ये बेस्ट 3 स्पाइक हिडन कैमरा के बारे में तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इन तीनों एप्लीकेशन का लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वहां से इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम रिव्यू देखते हैं इस एप्लीकेशन की कि कौन सी एप्लीकेशन सबसे बेटर है। तो दोस्तों सबसे पहला हमारे पास एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्पाइक कैमरा। यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, स्टार्ट, यहाँ पे स्टॉप और यहाँ पे सेटिंग। तो सबसे पहले सेटिंग में क्लिक करते हैं। यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग, माई वीडियो कैमरा, ये सारी की सेटिंग मिल जाती है आपको। तो चलिए बैक आते हैं और बैक आने के बाद स्टार्ट पे करना है और आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ये देखिए रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो गई और यहां पे आप चाहे तो अपनी पावर बटन ऑफ यानी अपनी मोबाइल फोन को लॉक भी कर सकते हैं, बट मैं नहीं करने वाला क्योंकि मैं इसी मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर मैंने पावर बटन दबाया तो रिकॉर्डिंग कट हो जाएगी। तो ऐसे करके आप यहां पे रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगर इसे बंद करना है तो एप्लीकेशन को ओपन कीजिए और एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको सिंपल यहां पे स्टॉप पे क्लिक करना है और ये देखिए रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड हो गई। अगर आपको देखना है इसका वीडियो तो आइए सेटिंग पे और माय वीडियो पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद ये देखिए कि यहां पे मिल गया वो वीडियो, स्टार्ट हो गई। दोस्तों ऐसे करके आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं चाहिए तो इस पे क्लिक कीजिए, वीडियो हो जाएगा डिलीट। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 2 की जिसका नाम है बैकग्राउंड वीडियो रिकॉर्डर। जी हां दोस्तों, ये ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद आपसे मांगेगा अलाउ। हर एक एप्लीकेशन कुछ ना कुछ अलाउ मांगता है तो आपको अलाउ कर देना है। ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है, सिंपल आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ये देखिए नॉर्मली ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ऊपर आपको मिल जाता है 3 ऑप्शन, रिकॉर्डिंग, सेटिंग एंड वीडियो। सेटिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सेटिंग। यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं, डेट और यहाँ पे ड्यूरेशन कि आप कितने मिनट तक का वीडियो शूट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कैमरा का भी सेटिंग कर सकते हैं, फ्रंट और बैक। ये देखिए क्लिक करेंगे तो फ्रंट हो जाएगा और ये बैक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप सेटिंग करेंगे, सेव करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद बीच में यहाँ पे टैग करना है आपको और टैग करते ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब आप अपने मोबाइल के पावर बटन भी दबा देंगे जब भी ये रिकॉर्डिंग होता ही रहेगा, बंद नहीं होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसी मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं नहीं दबा सकता पावर बटन वरना रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। तो ये देखिए रिकॉर्डिंग हो गई क्लियर। अब हमें रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, उसके बाद चलते हैं वीडियो पे और वीडियो पे जाने के बाद ये देखिए बहुत सारे वीडियो है कि छोटे छोटे हो गए हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाला वीडियो जो हमारा लॉन्ग है इसे प्ले कर देते हैं। ये देखिए कि ऐसा ही आपको वीडियो शूट करने को मिलेगा इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो ऐसे करके आप इस एप्लीकेशन को भी एज अ स्पाई कैमरा यूज कर सकते हैं जो कि काफ़ी बेटर और काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये थी एप्लीकेशन नंबर 2। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 3 की जो कि है हिडन स्पाइक कैमरा। जी हाँ दोस्तों, इसमें दो ऑप्शन मिल गए आपको, हिडन भी और स्पाइक भी। चलिए ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है हिडन स्पाइक कैमरा के बारे में, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे देखेंगे सेट टाइम और सेट कैमरा, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल जाता है। सेट टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट अपने आप कितने टाइम के बाद आपका ये कैमरा यानी स्पाई कैमरा स्टार्ट हो जाए। तो पहले ही आप टाइम सेट कर सकते हैं और उतना ही टाइम पे वो कैमरा ओपन हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला। नीचे सेट कैमरा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बैक और फ्रंट सेट करने के लिए, आप जो भी कैमरा सेलेक्ट करें कर सकते हैं। चलिए मैं बैक ही रहने देता हूँ और उसके बाद आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है, बस आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई और ऐसा ही इंटरफेस आपको डिस्प्ले पे देखने को मिलेगा। आप भी चाहें तो आप पावर बटन दबा के इसे ऑफ भी कर सकते हैं, अपनी मोबाइल के स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग स्टार्ट रहेगी। तो ऐसे करके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर रिकॉर्डिंग को देखना है तो आपको स्टॉप पे क्लिक करना है। ये देखिए रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, अब हमें प्ले पे क्लिक करना है और वीडियो हमारे सामने ये देखिए प्ले हो गया। तो ऐसे करके आप इस एप्लीकेशन को भी यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी वो 3 स्पाई हिडन कैमरा 2018 जिसे आप यूज कर सकते हैं और किसी भी जगह आप अपने मोबाइल फोन को स्पाई कैमरा रिकॉर्डर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, बिना लाइक किए मत जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।